और घर भी बहुत ज़्यादा है, हम पसीना पसीना हो रहे हैं और पसीने में नहा चुके हैं अभी इस टाइम ना, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से भी ज़्यादा गर्मी है। आई डोंट नो हम लोगों ने कैसे किया है। वेट लुक हो गया विल्दान का भी और मामा का भी। सी ये क्या हशर हो गया मेरे बालों का गर्मी से। ओ माय गॉड, आज हमने देखिए मैचिंग किए, मैंने, मेहरान ने और विल्दान ने, मैची फैमिली। हाय गाइस, हाउ आर यू, दिस इज सिद्रा मेहरान। मैंने शॉर्ट नोटिस पे जो है सब कुछ अरेंजमेंट हुई है और
हैदराबाद से मैंने ये केक ऑर्डर किया है, हुसैन भाई अपने साथ लेकर आए हैं। कल विल्दान का बर्थडे हमें कल केक जो है अब पूरा मेल्ट हो गया हमारी तरह, हम लोग भी सारे मेल्ट हो रहे हैं, हमारे साथ साथ केक भी मेल्ट हो रहा है। It's your birthday. Oh, it's many. What are you doing? This is very bad. It's many. No. हाँ तो this cake, by the way, is from Delights Hyderabad और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है और बड़ी शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने मुझे जंगल थीम का बड़ा ब्यूटीफुल सा क्यूट सा केक बना के भेजा है। इसके साथ ही क्यूट से कपकेक्स भी हैं। थैंक यू फॉर दिस। बड़ी बड़ी क्यूट से कपकेक्स भी हैं और थैंक यू, दिस केक इज वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा और बाय द वे दिस सेटअप इज फ्रॉम क्राफ्ट डिलीशियस फरियाल ने मुझे बड़ा ही अच्छा सा बड़ा ही जबरदस्त सेटअप दिया है। थैंक यू गाइस, इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस में मुझे बना के दिया क्योंकि मैं सोच बहुत रही थी काम कुछ ज़्यादा कम कर रही थी क्योंकि बिजी बहुत होती हूँ मैं, बिजी लेडी हूँ ना। क्वारंटीन बर्थडे में बड़ा सेटअप तो नहीं कर पाई, मेरा इरादा तो बहुत था कि मैं बड़ी धूमधाम से बड़ी सी बर्थडे करूँगी बट वो नहीं हो पाई। हल्का में कोई ना कोई भलाई होती है इसमें भी कोई होगी। सो तो मैंने मतलब घर के ही लिहाज से लेकिन मैंने जस्ट विदान के लिए स्पेशल डे बनाने के लिए, अभी हम सिर्फ हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं और कोई नहीं है, हम जस्ट मेरी फैमिली है और मेरी मम्मी वालों की तरफ से फैमिली है और हम लोग हैं। तो मैंने बहुत छोटा सा सेटअप बनवाया है यहाँ पे और केक बनवाया है और मैंने फोटोग्राफर्स भी हायर किए हैं एंड दे आर ए बी एक्स फोटोग्राफी और इन ये हमारे बाई द फैमिली फोटोग्राफर हैं, इनका जो काम है बड़ा जबरदस्त काम है तो मैंने इनको हायर किया क्योंकि मेरे छोटा सा क्यूट सा मेरा जो सेलिब्रेशन है उसको आप कवर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। How does the daddy do?
Hello, ting ding ding ding, ting ding ding ding, ting ding ding ding. Hi. Hello. Oh. So guys, Vildan ka birthday is almost over now. So guys, this is my look for Vildan's birthday. I know, थोड़ा सा late मैं आपको अपने dress की like डिटेल्स बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इवेंट में, फोटोग्राफी में और पिक्चर्स लेना और लाइक ऑब्वियसली सब लोग होते हैं तो सबके साथ बातचीत करना. और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ और बैठी हूँ, वरना मुझे बैठने का भी बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था. भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही है. बट मुझे आप लोगों को अपनी आउटफिट डिटेल्स और जो जो मैंने पहना और अपना ड्रेस और ये सब जो है वो आपको दिखाना था. आई नो थोड़ा लेट हो गया, बट क्या करूँ, मुझे टाइम ही बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था. तो अभी मैं बैठी हूँ तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि भाई मैंने क्या वेयर किया विल्दान की बर्थडे पे, जिसका मुझे कब से इंतज़ार था. बट मैंने लाइक इतना फैंसी आउटफिट नहीं पहना, मुझे बिल्कुल सिंपल सा, लाइक सिंपल सा भी नहीं, एलिगेंट सा, डिसेंट सा और लाइक इतना चमकी चमकी वाला जो है वो नहीं चाहिए था मुझे. और मुझे कोऑर्डिनेशन भी करनी थी मेहरान के साथ, विल्दान के साथ. तो फिर मैंने खुद ने अपना ड्रेस के डिज़ाइन किया है. दिस इज़ लाइक इनर ऑरेंज कलर का, ये मैंने मेहरान विल्दान के साथ मैच किया है. और ये मेरा आउटफिट है. एंड दिस इज़ माई ट्राउज़र, दिस इज़ माई अपर और ये मेरा है ट्राउज़र. ये मैंने कहीं से नहीं ख़रीदा, ये सब मेरी खुद की डिज़ाइनिंग है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है. ये मेरे पास एक अलग से फैब्रिक रखा हुआ था ग्रीन कलर का, ये मैंने जो है अपर बनवाया है इसका. ये मैंने इधर थोड़ी सी लेसेस और फ्लोरल सा मैंने कुछ देने के लिए फ्लावर्स लगाए हैं. और ये मैंने स्लीव्स हैं, फ्लोरल प्रिंट की स्लीव्स लगाई हैं, बिल्कुल लाइक डिसेंट सा और एलिगेंट सा, ज़्यादा मैंने कहा ओवर भी ना लगे और खूबसूरत भी लगे. और मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए छोटा सा नेकलेस पहन लिया है विथ स्टड्स, एज यू गाइस कैन सी. दिस इज़ माई नेकलेस, आई एम जस्ट लविंग माई नेकलेस. और ये मैंने हल्की सी रिंग पहन ली है, नील कलर लगा लिया है लाइक, और आई एम जस्ट लविंग माई नेकलेस बाय द वे. और कुछ मैंने कहीं किसी ब्रांड से नहीं लिया, ये सब मेरी खुद की डिज़ाइनिंग है. क्वारंटीन की वजह से जो है ज़्यादा मैं ख्वारी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग गए थे विल्दान की शॉपिंग के लिए, ज़रूर गए थे. बट विल्दान की शॉपिंग का ये होता है कि बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं जैसे भी आपको चाहिए हो, बट मुझे अपने लिए ना बड़ी ख्वारी करनी होती है, उसके बाद जाके मुझे मेरे टाइप का ड्रेस मिलता है. तो मैंने सोचा कि यार इतनी ख्वारी करने से बेहतर है कि आप
खुद सिद्रा कुछ डिज़ाइन करो और ख़ुद अपना दिमाग चलाओ. तो मैंने खुद ने जो है ये डिज़ाइन किया ड्रेस विल्दान की बर्थडे के लिए. अच्छा पहले एक्चुअली मैंने सोचा कि एनिमल थीम है तो मुझे कुछ एनिमल रिलेटेड पहनना चाहिए. पहले मैंने सोचा कि मैं साड़ी पहनूंगी, चीता प्रिंट की साड़ी होती है ना ऑरेंज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में. बट मैंने जाके ढूंढा, मुझे ऑरेंज और ब्लैक कॉम्बिनेशन में चीता प्रिंट नहीं मिला. तो फिर मैंने कहा ज़्यादा ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, सिद्रा हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं. तो मैंने जो है मेरे घर में ही ये स्टफ़ रखा हुआ था, मैंने लिया था किसी ज़माने में. और हाँ ये इनर मैंने ज़रूर लिया है, ये अपर, और ये मेरा जो ट्राउज़र है ये मेरा पहले का रखा हुआ था, मैंने उसको जो है वो सेट करवाया है और विल्दान की बर्थडे पे पहना है. ये जी टू वाला बलून है, मैं इसे कब से संभाल के रख रही थी कि मैं विल्दान के साथ पिक्चर खिंचवाऊंगी बट नहीं हो पाया. जल्दी जल्दी मैं, आपको पता है कि जब भी कोई इवेंट होता है, आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कोई मैं हेयर स्टाइलिंग नहीं कर सकी. मैंने सोचा था कि मैं हेयर कर्ल करूँगी और मैंने कर्ल भी करने की कोशिश की बट वो सारे खुल गए और मुझसे कर्ल भी नहीं हुए और फिर मैंने ऐसे ही स्ट्रेट बाल ही छोड़ दिए. इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूरे इवेंट में मैं स्वेटिंग मुझे इतनी ज़्यादा हो रही थी, पूरी मैं पसीना पसीना हो रही थी. आई डोंट नो वो मेरी पिक्चर्स में भी आया होगा, वीडियोस में भी आया होगा, बट क्या करते गर्मी इतनी ज़्यादा है. क्योंकि विल्दान जो है वो जून में पैदा हुआ है तो अब मुझे हर बर्थडे पे विल्दान की मुझे ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी. इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैंने कोई व्लॉगिंग श्लॉगिंग कुछ नहीं की, मैंने फैमिली के साथ बिल्कुल भी कोई फुटेजेस नहीं ली क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी. हालांकि ये एक होम इवेंट था, क्वारंटीन बर्थडे थी विल्दान की जिसमें सिर्फ हम लोग घर के लोग थे, कुछ गिने चुने कितने 5-6-7-8-9 लोग थे, वो भी हम घर के ही थे. लाइक मेरे घर से भी कोई सब लोग नहीं आए, कोई 1-2 लोग आए हैं, 1-2-3-4 जैसे कि मैं आई. हमेशा मेरे ब्लॉग को टेक ओवर तो नहीं, मतलब अटैक कर देती क्योंकि मैं कंपल्सरी सब्जेक्ट हूँ तुम्हारे ब्लॉग का. हाँ एनी को लोग बहुत पसंद करते हैं. हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग मुझे देखना चाहते हैं कि मैं हर ब्लॉग में घुस जाती हूँ. तो हाँ एनी आई है और विल्दान के बर्थडे पे स्पेशली हैदराबाद से एनी आई है. और कौन आया है, एक एक करके आ जाओ सब, कौन कौन आया है, हाजिरी लगवाओ, अटेंडेंस प्लीज, कौन कौन आया है. हेलो गाइस. और हुसैन आया है. रीम आई है विल्दान की बर्थडे पे. और कौन आया है, और बाजी आई है, और बाजी आई है, तहरीम की मदर भी आई है. अच्छा सब लोग समझते हैं कि तहरीम जो है वो हुसैन की डॉटर है, तहरीम हुसैन की डॉटर नहीं है और ना परीशे हुसैन की डॉटर है. परीशे भी मेरी सिस्टर की बेटी है और तहरीम भी मेरी सिस्टर की बेटी. अभी मैं आपको अपनी एल्डेस्ट सिस्टर से भी मिलवाती हूँ. आई नो मैंने आप लोगों को अपनी पूरी फैमिली से अभी तक नहीं मिलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो हमारी फैमिली में कैमरा शाये हैं, मेरी तरह नहीं है, सब हुए हैं. शी इज़ माई एल्डर सिस्टर. ये है तहरीम की मामा और Hello guys. शी इज एनी, इन्हें तो आप सभी जानते हैं. और आई नो मैंने आपको मेरी फैमिली से इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं करवाया क्योंकि मेरे जो फैमिली में कुछ लोग कैमरा शाय हैं, कभी आना चाहते हैं कभी नहीं आना चाहते, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आई थिंक. तो ये तो हमेशा आना चाहती है ना ब्लॉग में. दीदी अच्छा तहरीम मुझे सिद्रा दीदी कहती है. सो या आई एम वेरी क्लोज टू हर. ये जो है इन्होंने मुझे अम्मी से ज़्यादा इन्होंने मुझे देखा है, मैं जब से पैदा हुई हूँ और अब तक इन्होंने मुझे अम्मी से ज़्यादा देखा है. तहरीम इज जेलस. तहरीम मुझसे कभी कभार जेलस भी हो जाती है क्योंकि जो मेरी ये बाजी है मुझे तहरीम से भी ज्यादा प्यार करती है. हाँ, तहरीम ये सब अच्छा. और कौन आया है, और हुसैन आया है, और जी हुसैन आया है, आ जाओ इधर जी. मोस्ट इम्पोर्टेंटली हुसैन भी आया है विद्दान की बर्थडे. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक है हम सब. यू ऑल आर डूइंग वेल. ये इस तरह करा जैसे ये टीवी पे चलेगा, टीवी पे नहीं जाएगा ये, तो टीवी पे ही जाएगा, सब की स्क्रीन पे ही जाएगा. आजकल टीवी से ज्यादा सब यूट्यूब देखते हैं अपने रूम में. मैं चलूं क्योंकि ऑर्डर आ गया शायद. अच्छा हां ओके ओके
सारा मेल्ट हो गया, इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी, सब कुछ मेल्ट हो चुका है, अच्छी शक्लें बाहर निकल कर आ चुकी हैं, जो कि आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सर कह रहा है केक के साथ साथ इन लोगों की शक्लें भी मेल्ट हो गई हैं। ओके हुसैन, टेल मी मजा आया बर्थडे में या नहीं? बर्थडे पे मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा इसी टाइप की बर्थडे होनी चाहिए। मतलब आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अगर हम लोग कंपेरेटिवली पहले के टाइम में देखें तो हम लोग जब ये क्वारंटीन और लॉकडाउन वगैरह सिस्टम नहीं था, हम लोग बाहर करते थे, कहीं भी किसी वेन्यू में कोई रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते तो हम लोग टाइम नहीं दे पाते थे एक दूसरे को, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड हम लोग ना बस मेहमानों को देखने में लग जाते, किसी ने खाना खाया किसी ने नहीं। अगर 8 लोग खुश होके जाते हैं 10 में से तो 2 जरूर नाराज होके जाते हैं, वो भी विदाउट रीजन। तो वैसे मेरा इरादा नहीं था, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत बड़ी बर्थडे करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये अपनी शादी भी बहुत बड़ी करना चाहती थी कि मैं शादी तब करूंगी जब बहुत ही जबरदस्त कोई मैं यहाँ कहूंगी कि आई थिंक आई वॉज लिटिल इमेच्योर दैट टाइम, क्योंकि शादी यार ग्रैंड करने का सबको शौक होता है, बड़ी सी शादी हो, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं और ज्वेलरी पहनूं, बट ये कि अब मतलब शादी से ज्यादा इसको दुल्हन बनने का शौक है बचपन से ही ये चाहती थी कि मैं दुल्हन बनूं बस। मैं अब शादी हो गई, बेबी हो गया, तो अब मैं थोड़ी सी ना मैच्योर हो गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ बस जो भी लोग रह गए ना वो बस ड्राइंग रूम में शादी करें और सिंपल सा निकाह करें मस्जिद में और बस चले जाएं, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना, वो आपस में बहुत ज्यादा खुश है एक दूसरे को टाइम दे ज्यादा। एग्जैक्टली, मैं भी हमेशा ये होता है सब। अच्छा, तो एनीवेज मैं भी विल्दान की बहुत बड़ी ग्रैंड बर्थडे करना चाहती थी, बट क्वारंटीन की वजह से मैंने नहीं किया, वरना आज मैं मैं भी जो है विल्दान की बड़ी ग्रैंड बर्थडे कर रही होती, क्योंकि मुझे बड़ा गिल्ट था कि मैं विल्दान की फर्स्ट बर्थडे नहीं कर पाई। वो कुछ रीजंस थे, क्योंकि मेहरान मेरे साथ नहीं थे, तो इसलिए मैंने जो है वो बर्थडे अपनी मैंने नहीं सेलिब्रेट की थी विल्दान की फर्स्ट बर्थडे, बट मैं सेकंड बर्थडे उसकी बड़ी ग्रैंड करना चाहती थी। और मेन रीज़न ये भी था कि पता नहीं फैमिली फिर मेरे साथ कब हो, हम सब लोग आपस में कब एक साथ हों, तो मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैं बड़ा ग्रैंड करना चाहती थी, बट क्वारंटीन की वजह से मैंने छोटा सा किया। लेकिन इससे ये एक चेंजिंग आई है कि मैं शायद अब अपने सारे इवेंट्स ऐसे ही करूँ, क्योंकि दिस इज दी बेस्ट यू गाइज, दी बेस्ट फीलिंग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। और कहते हैं ना हर काम में कोई ना कोई भलाई होती है, तो इस क्वारंटीन ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब बहरान ने भी महफिल ज्वाइन कर ली है और एक और हमारे यहाँ मेहमान आया है, हमारी महफिल को सजाने एक और मेहमान आया है। पार्टी इज ओवर बट फन इज नॉट ओवर येट, हम लोग की वो आफ्टर पार्टी स्टार्ट होती है। हाँ, आफ्टर पार्टी अभी स्टार्ट हुई है। मेहरान, आप बताएं कि विल्दान का क्वारंटीन बर्थडे करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आपकी नजर में ये क्वारंटीन बर्थडे अच्छी है, करनी चाहिए, या फुल ऑन ग्रैंड बर्थडे? उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, जेब देखेगा क्वारंटीन बेस्ट है। अच्छा, अगर दूसरा एस्पेक्ट देखें तो फिर जितनी ग्रैंड हो, अगर भाभी को देखें तो जितनी ग्रैंड। अच्छा, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ, पहले मेरा जो नजरिया है वो बहुत चेंज था। मैं चाहती थी, मैंने अपनी शादी भी बड़ी ग्रैंड की, अभी तक लोग याद करते हैं कि सिद्रा की शादी। अभी तक मैं किस्तें भर रहा हूँ। Shut up! It's not like that. तो सिद्रा की शादी, but अब मैं I am little mature now and here you go. Yusra is also here with us. After party fun हो रहा है। After party हम लोग की अभी start हुई है। After party. हाँ, सब जा चुके हैं, वैसे सब कौन है, सब इधर ही तो है, कोई नहीं है। मतलब थे ही हम लोग ऑलरेडी घर के कुछ एक दो बंदे, तो या डेकोरेशन वाले चले गए, फोटोग्राफर्स चले गए। इट वाज फन, अच्छा लगा। एक तो डेकोर बहुत अच्छा हुआ हुआ था, पिक्चर्स तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि पिक्चर्स के लिए भी कोई आ रहा है, अब पिक्चर्स भी आ जाएंगे। जस्ट फॉर विल्दान, मैं चाहती थी कि ये विल्दान के लिए मेमोरीज कलेक्ट हो, और जब वो बड़ा हो उसको बताएं कि एक बाबा आई थी, उसमें आपकी बर्थडे आई थी, क्वारंटीन बर्थडे हमने सेलिब्रेट की थी।
और ये वीडियो भी देखेगा प्रॉब्ली हाय आई नो मैं आप थोड़ी सी जो हूँ आई नो इस वीडियो में मैं थोड़ी सी जवान लग रही हूँ मुझे पता है इस टाइम भी अब जवानी लग रही जब इल्तान के साथ अब ये वीडियो देख अरे यार वैसे ये देखेगा अभी और हम इसमें बात कर रहे हैं अच्छा सा फील होगा नहीं हाँ दिलदान जब देख रहा होगा मुझे पता है आई नो दिलदान अभी तुम देख रहे हो तो मैं थोड़ी सी बुढ़ी हो गई हूँ बट बुढ़ी हो चुकी होंगी जब तुम मेरे साथ ये बैठ के वीडियो देखोगे बुढ़ी होगी फिर भी खूबसूरत होगी खूबसूरती नहीं जाती है हाँ ये बात है हाँ कि मेरी भी खूबसूरती खुद भी पता चला कि मैं जाने वाला था अभी हैप्पी बर्थडे बाय बाय हैप्पी बर्थडे विल सी यू नेक्स्ट ईयर है ना हैप्पी बर्थडे नेक्स्ट ईयर पता नहीं विल्दान की बर्थडे का कम बाबा कम 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 Vildan? Okay, it's you. I'll put you. One, two, I love you. Done?